Hello guys, welcome back to the channel. In this video, we'll send temperature and humidity data to ThinkSpeak server. तो अगर आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हो कैसे मैं रैंडम डेटा को ThinkSpeak server को सेंड करता था तो आप जाके वो देख लो सो दैट ये आपको समझ में आएगा क्योंकि हम लोग जो प्रोग्राम करेंगे वो सेम प्रोग्राम को हम लोग थोड़ा चेंजेस करेंगे ठीक है. तो चलते हैं हमारा प्रोग्राम के ऊपर. तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्राउजर में जाएंगे, यहाँ पे ThinkSpeak, यहाँ पे लास्ट क्लास में मैं यहाँ तक छोड़ा था ठीक है. तो मैं क्या करूँगा, अभी दो और फील्ड ऐड कर लूँगा, फील्ड टू और फील्ड थ्री ठीक है. तो फील्ड टू का नाम दे दूँगा टेम्परेचर एंड फील्ड थ्री का दे दूँगा क्योंकि मुझे टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंड करना है ठीक है. तो यहाँ पे सेव कर लूँगा. तो यहाँ पे देखो और दो डेटा फील्ड ऐड हो गया है टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी के लिए और यहाँ पे आपका डेट दिखा रहा है ठीक है. तो चलते हैं प्रोग्राम में. तो क्या करना है प्रोग्राम में, यहाँ पे देखो मुझे फील्ड टू फील्ड थ्री को डेटा सेंड करना है तो यहाँ पे मैं कर दूंगा फील्ड टू ठीक है. देन ये रैंडम डेटा हमारा था, इसको मैं काट दूंगा, इट विल नॉट रिक्वायर्ड नाउ. तो स्ट्रिंग URL रहा URL ठीक है. यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर डेटा को सेंड करेंगे. तो कैसे सेंड करेंगे, तो मैं ऑलरेडी इस जो DHT11 का प्रोग्राम आपको सिखाया था वो जाके आप देख सकते हो, रेफरेंस ले सकते हो. मैं भी यहाँ पे रेफरेंस ले रहा हूँ. यहाँ पे देखो ये मेरा प्रोग्राम था DHT11 को रीड करने के लिए ठीक है. तो यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया, ये सारा हेडर फाइल था और DHT टाइप कौन सा है उसके लिए था. देन DHT को बिगिन किया void सेटअप में ठीक है. देन रीड करने के लिए क्या करूँगा, फ्लोट टी ये मेरा टेम्परेचर एंड फ्लोट एच ये मेरा ह्यूमिडिटी ठीक है. देन यहाँ पे ओके मैं ये कर रहा हूँ. देन यहाँ पे मैं आपको एक प्रॉब्लम दिखाऊंगा क्या प्रॉब्लम हो सकता है. यहाँ पे हो गया फ्लोट एच और फ्लोट टी ठीक है. टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी मुझे मिल गया. अभी न्यू URL में यहाँ पे मैं सेंड कर दूंगा स्ट्रिंग टी, तो उसको पहले टेम्परेचर फील्ड टू में टेम्परेचर चला गया ठीक है. प्लस एक स्ट्रिंग ऐड करूंगा, यहां पे ऐसे लिखूंगा एंड फील्ड थ्री इक्वल टू प्लस स्ट्रिंग ऑफ एच ठीक है. तो ये प्रॉपर अगर इसका URL आप देखोगे कैसे होगा, यहां पे आप देख सकते हो ये मेरा फील्ड वन के लिए था तो मैं यहां से काट रहा हूं फील टू इक्वल टू सपोज टेम्परेचर मेरा 29 एंड फील थ्री इक्वल टू 87 ठीक है. ये अभी टेम्परेचर और मेरा ह्यूमिडिटी सेंड करूंगा. तो अगर मैं क्लिक करूंगा देन यहाँ पे देख सकते हो उसको डेटा मिल गया. अभी मैं जाके यहाँ पे चेक कर सकता हूँ. देखो आ गया 87 एंड टेम्परेचर. तो ये मेरा प्रॉपर लिंक है. तो फील्ड टू इज इक्वल टू के बाद ये एक स्ट्रिंग है तो मैं उसको आज URL में डिफाइन कर लिया. देन ये मेरा वैल्यू है तो वैल्यू फ्लोट वैल्यू आई कैन नॉट सेंड टू ए गेट रिक्वेस्ट तो उसको मैं पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लूंगा. सेम ये भी एक स्ट्रिंग है एंड फील्ड थ्री तो उसको मैं स्ट्रिंग लिखूंगा और इसको भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा. तो सेम चीज मैं यहाँ पे किया. अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे मैं क्या किया, तो ये मेरा URL है टू फील्ड टू तो यहाँ पे आ गया URL. देन टेम्परेचर डेटा आ रहा था उसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया. देन एंड फील्ड थ्री स्ट्रिंग है उसको लिखा. देन ह्यूमिडिटी को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया ठीक है. अभी इसको सेंड करूंगा टू आवर नोड MCU. तो उससे पहले हम लोग कनेक्शन देख लेते हैं DHT11 का. आप लोगों को कनेक्शन पता होगा, मैं ऑलरेडी बहुत बार इसको समझा चुका हूँ कैसे कनेक्ट करते हैं हम लोग. तो VCC को कनेक्ट करूंगा 5 वोल्ट, देन ग्राउंड को ग्राउंड में ठीक है. देन एक पिन को D2 में क्योंकि यहां पे देखो मैं अगर प्रोग्राम देखोगे आप लोग प्रोग्राम में यहां पे मैं क्या किया हूं DHT पिन 4 डिफाइन किया हूं. 4 मतलब अगर गूगल में जाके आप नोड MCU सर्च करोगे
नोड एमसीयू पिन आउट, तो डी टू हमारा क्या है पिन जीपीआईओ 4 है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे 4 लिखा हूँ और यहाँ पे डी टू में कनेक्ट किया हूँ। ठीक है, ये हो गया। अभी प्रोग्राम को अपलोड करेंगे तो नोड एमसीयू को मैं कनेक्ट करता हूँ लैपटॉप में। ठीक है, टूल्स देन अपलोड। बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, मैं कुछ भी चेंजेस नहीं किया हूँ, सेम प्रोग्राम को थोड़ा मॉडिफाई किया। क्या मॉडिफाई किया, लिंक में थोड़ा चेंज किया और ह्यूमिडिटी टेम्परेचर को एज ए स्ट्रिंग सेंड कर रहा हूँ, दैट्स इट। मुझे कमेंट में आ रहा है कि आप लोगों को कैसे मोबाइल को नोटिफिकेशन सेंड करना है, उसको जानने के लिए, उसको भी हम लोग करेंगे आगे आगे वीडियो में, बहुत सारा चीज़ें हम लोग करेंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, पर्टिकुलर सर्वर को डेटा सेंड करेंगे और सर्वर से अगर वो एप्लीकेशन हमारा इंस्टॉल है देन हमारा मोबाइल को नोटिफिकेशन आ जाएगा। देन हम लोग कैसे टेक्स्ट मैसेज भी सेंड कर सकते हैं वो भी देखेंगे, आगे आगे बहुत सारा चीज़ आएगा। ठीक है, अगर कुछ नया कॉन्सेप्ट भी आपको आ रहा है दिमाग में देन यू कैन कमेंट ऑल्सो, मैं उसको भी ट्राई करूँगा। ठीक है, हो गया, अभी चलते हैं कनेक्शन। ये यहाँ पे सीरियल मॉनिटर और ये मेरा ब्राउजर। ठीक है, देखो 29 से आ गया अप टू कहाँ पे 28, देन अगेन 15 सेकंड के बाद फिर वो डेटा चेंजेस होगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया 27.6, ह्यूमिडिटी बढ़ गया। तो ये एक्चुअली गुड प्रैक्टिस नहीं है ऐसे टेम्परेचर ह्यूमिडिटी को वर्ड लूप में कॉल करने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक दूसरा फंक्शन बना लोगे। ठीक है, void dst data ऐसा कुछ फंक्शन बना लोगे। ठीक है, उसके अंदर मैं क्या करूंगा, यहां से यहां तक कॉट कर ले रहा हूं। ठीक है, बट यहां पे पेस्ट, तो हमारा स्ट्रिंग न्यू URL क्या है, ये है। तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ, यहाँ पे इसे पेस्ट कर रहा हूँ। ये देखो, ये फंक्शन के लिए ये स्ट्रिंग है तो ये लोकल वेरिएबल हो गया, और ये फंक्शन के लिए ये लिंक है। तो अब कंफ्यूज मत होना कि कौन सा लिंक किसके लिए है। ठीक है, ये लोकल वेरिएबल में डिक्लेयर कर रहा हूँ इज इक्वल टू DST डाटा। ठीक है, और यहाँ पे जो स्ट्रिंग में क्रिएट किया न्यू URL उसको रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न न्यू URL। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा लाया, डेटा को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया देन न्यू URL में सेंड कर दिया। तो अगर आप नया नया सेंसर आप इंटरफेस करोगे, मेरा कॉन्सेप्ट ये रहेगा जितना भी फंक्शन बनाओगे तो आपके लिए इजी होगा सेग्रीगेट करने के लिए प्रोग्राम वगैरह को। ओके, तो यहां पे मैं स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा हूं ना, तो यहां पे मैं स्ट्रिंग दे दूंगा, फंक्शन स्ट्रिंग। तो ये बेसिकली एक स्ट्रिंग फंक्शन है, तो उसका डेटा जो भी आएगा स्ट्रिंग में आएगा, तो उसको मैं स्ट्रिंग में स्टोर कर सकता हूं। ठीक है, अपलोड हो रहा है तो मिनिमाइज कर देता हूँ ये, इसको क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, स्टार्ट कनेक्शन, कनेक्टेड हो गया, अभी 36 गया।
लास्ट टाइम 750 में डेटा गया था, अभी देखो 757 हो गया, यहाँ पे देखो डेटा आ गया, ठीक है, ह्यूमिडिटी और यहाँ पे मेरा टेम्परेचर। अगर मैं यहाँ से टेम्परेचर को इंक्रीज करूँगा, लाइक कुछ हीट इंड्यूस करूँगा, यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। देखो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो ये है बेसिक हाउ वी कैन सेंड आवर टेम्परेचर डेटा और ह्यूमिडिटी डेटा टू ए सर्वर। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका खुद का एपीआई है ये ग्राफ का, ये ग्राफ को मैं कॉपी करके मैं एक HTML पेज बनाऊंगा और वहां पे मैं इसको भी शो कर सकता हूँ, मेरा खुद का वेबसाइट बना के भी शो कर सकता हूँ। आगे वीडियो में हम लोग देखेंगे, सपोज मैं टू बटन क्रिएट किया और उसको क्लिक करूंगा ऑन के लिए, तो यहाँ पे LED हमारा ऑन होगा और ऑफ प्रेस करूंगा तो LED ऑफ होगा, वो भी कर सकते हैं। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा देन आपका खुद का प्रोग्राम करने के लिए ट्राई करो, अगर समझ में नहीं आया देन कमेंट में बताओ, तो उसको सॉल्व करने के लिए मैं ट्राई करूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।